नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीवीटी पाठशाला में। मैं मानस मिश्रा आप सभी के बीच यहाँ आज हाजिर हूँ। आज हम बातचीत करेंगे कि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे बार बार, और उनका मैसेज आ रहा था कि सर हम लोगों के भी जो पेपर है सीवीटी पीजी का, उसका भी क्या कोड चेंज हुआ है, और यदि कोड चेंज हुआ है या फिर पाठ्यक्रम में बदलाव हुए हैं तो क्या क्या बदलाव हुए हैं। उन सारी दिक्कतों को आज सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं। कुछ लोग बोल रहे थे सर आपका कोर्स कब से चल रहा है, क्या हम क्लास ले सकते हैं, क्या फीस है, और इसके बाद पेपर कैसे मिलेंगे, जो PYQs हैं कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना होगा, कौन सी किताबें पढ़नी होंगी। सर बहुत सारे तमाम प्रश्नों के उत्तर इस पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे आपकी एक इन्फॉर्मेशन वहीं पे कट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए जो हिंदी का पेपर है जिसको NTA ने एक कोड नाम दिया है LAQP02, ठीक है। तो ये जो हिंदी का कोड है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म यदि आप लोगों ने भरे होंगे या फिर आप भरने जाएंगे, तो उसमें आप कोड पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। पिछले वर्ष क्या हुआ था, जब हम लोग परीक्षा में बैठे हुए थे दो तीन साल पहले, तो उसमें हुआ यह था कि हम हिंदी का पेपर दे रहे हैं और बगल में आए तो वो भी हिंदी का पेपर देने आए थे, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि हिंदी करके, और एक प्रयोजनमूलक हिंदी भी चलता है, ठीक है, हिंदी पत्रकारिता भी चलती है। तो गलती से भी आप कोड पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, गलती से भी कोई और अन्य कोड मत भर दीजिएगा, वरना फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और हिंदी के इस कोड में, ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए LAQP02, ठीक है, आप इस कोड को लिख लीजिए कहीं पर, जब भी आप फॉर्म भरने जाएं या फिर जब आपका एडमिट कार्ड सामने आए तो आप कोड को जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। जब आप सेंटर पे जाएंगे CBT ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। एक और बड़ा बदलाव हुआ है CBT PG में कि जो 25 प्रश्न पूछे जाने थे जिसको पार्ट ए नाम दिया गया था जिसको, उसे हटा दिया गया है, क्योंकि छात्रों की कुछ कठिनाइयां थी जो कि हिंदी से या आर्ट से पढ़ रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स, फिर इसके बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें पढ़ना बड़ा बोझल सा हो जा रहा था। CBT ने इस चीज को समझा, NTA ने समझा और उसको हटा दिया। बदलाव के साथ साथ जो 75 प्रश्न जो बचे हुए हैं 100 में, वही बस आपको प्रश्न करना है जो कि डोमेन सब्जेक्ट से आपके पूछे जाएंगे। आपका जो मेरा वाला जो बैच है वो निराला बैच है, ठीक है, जिसको जो बनाया गया है प्रॉपर हिंदी के लिए, स्पेशल हिंदी बैच है। इसमें लगभग अभी तक हम लोगों ने 2 से 3 यूनिट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरा जो टारगेट है वो है 1 फरवरी के पहले तक पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है पूरा कंप्लीट कर देना, ठीक है। इसी के साथ विगत वर्षों के 15 वर्षों के प्रश्न पत्र जो है हम हल करवाएंगे आप सभी को वीडियोस के माध्यम से। आप चाहें तो PYQs भी PDF के माध्यम से भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। बहुत कम फीस रहेगी PYQs जो अकेले लेना चाहें, और जो लोग निराला बैच में ज्वाइन होते हैं, जो क्रैश कोर्स है उसमें ज्वाइन होते हैं, तो उसमें आपको वो जो 15 साल विगत वर्षों जब से NTA ने करवाया, और NTA के करवाने के पहले जब BHU ने करवाए हैं, DU ने करवाए हैं, फिर GNU करवाए हैं, उन सभी के PYQs आपको उन वीडियोस में लेक्चर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी निराला बैच ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है, जो हिंदी के प्रति तैयारी है PG के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी सुनिश्चित हो सके। अब जो पाठ्यक्रम में कुछ लोग कह रहे थे बदलाव हुए हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, ज्यों का त्यों हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में पहले भी यूनिट 7 थे, तो अभी भी टोटल यूनिट कितने हैं, 7 हैं। उसमें कौन कौन से, पहला यूनिट था हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, ये हमारे जो ऐप है BHU पाठशाला ऐप, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और फिर उसमें ये हमने पढ़ा चुके हैं अब तक। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, ये अभी चल रहा है। हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाएं, जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, ठीक है, इनमें अन्य गतिविधाओं में कुछ कुछ क्लासेस इसके भी स्टार्ट कर चुके हैं हम, ठीक है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, यानी कि आदिकाल आपको पढ़ना है, भक्ति काल, रीति काल, और फिर आधुनिक काल, ठीक है। और इसके बाद आधुनिक काल में भी ये सारी विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं। साथ ही साथ केवल फैक्ट्स नहीं हम आपको पढ़ाएंगे, डिटेल्ड में सारी क्लासेस ली गई हैं आप सभी की, ताकि आप UGC नेट की भी यदि परीक्षाएं देंगे तो उसके लिए भी यही सारी क्लासेस आपकी उपयोगी होगी। आप नोट्स भी उन क्लासेस के बना सकते हैं, नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे आपको। प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, जो कि प्रयोजनमूलक हिंदी में, हिंदी के क्या क्या हमारे समाज में कार्य हो सकते हैं, जनसंचार में माध्यम में हिंदी क्या है, ठीक है, जनसंचार अर्थात TV चैनलों में, मीडिया में, मास मीडिया में किस प्रकार से हमारी हिंदी
का उपयोग हुआ है, जिसमें समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन, हिंदी रेडियो टेलीविजन में हिंदी, ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र स्पेशल क्लासेस की चलाई जाएगी, क्योंकि आप सभी बीए के विद्यार्थी, हम सभी जानते हैं आप लोग बीए से पढ़ के निकलेंगे, तो आप पीजी की तैयारी के दौरान उतने अच्छे से शायद शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन ना समझते हो, लेकिन जब जैसे ही क्लास लेंगे हम, उसमें इन सारी चीजों को डिटेल स्पेशल क्लासेस के लिए डिजाइन की गई है, अर्थात उनमें जो जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के साथ साथ संस्कृत निश्चित शब्दावली होती है उसको सरल करके हिंदी में तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी व्याकरण, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास, ये सारी चीजें आपको केवल फैक्ट्स नहीं, उसके डिटेल्ड एनालिसिस करके आप लोगों को समझाया जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम मेरे साथ जुड़िए, सीयूटी पाठशाला के साथ जुड़िए, और जो हिंदी के प्रति जागरूक बच्चे हैं वो निराला बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो क्रैश कोर्स है उसकी फीस बहुत ही कम रखी गई है, और जो 15 वर्षों के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है वो भी उनकी, उसकी फीस भी बहुत कम ही रखी जाएगी, और उम्मीद है आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करते हैं जल्दी जल्दी आप लोगों को विशेष छूट भी दी गई है। और जो गरीब तबके से लोग हैं, गांव घर के लोग हैं, ग्रामीण इलाके से लोग हैं, उन लोगों के लिए भी विशेष छूट है। जो लोग, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, उन लोगों को हम लोग मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो तैयारी है वो एकदम रुके ना, ठीक है। तो ये सीयूटी पाठशाला परिवार की देन है कि आप सभी के बीच, आप सभी के गांव घर तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, आप सभी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।